Vasudeva Sutam Devam Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardhanam Kansa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum. इस बार आप लोगों को बाकी समय से ज्यादा मजा आया है ना, वो जाके अब उधर बोलेंगे सबको ना, जो लोग नहीं आए उनको बोलोगे, उनको कष्ट दोगे, अहिंसा होगा क्या, हिंसा हो जाएगा और फिर बोलोगे कि माँ का जो रुपया है वो भी हमने छुआ, अरे माँ की चरण रज छुई है, हा? तो इतना कष्ट देना ठीक है क्या? न पूछे तो न कहना ही अच्छा है, उनको कष्ट होगा, अरे वी हैव मिस्ड इट, इसके बाद में कभी देहरादून आना है तो बोल दे धीरे से कि महाराज से कृपा करके मांग लेना, उनसे बोलना कि चरण स्पर्श कर, मैं तो यहाँ कई बार आके रहा हूँ, महाराज तो मेरे परम मित्र हैं, जानते हैं हमारा संबंध, तो देख लिया आप लोगों ने, तीन तीन महीने यहाँ रहा हूँ, डेढ़ महीने रहा हूँ, 15 दिन रहा हूँ, 4 दिन, जब भी हुआ मौका आया यहाँ के तो बनारस चंडीगढ़ से तो आ जाते 3 घंटे, लेकिन महाराज ने कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की मेरे को, बात तक उठाई नहीं कि मेरे पास माँ का ये नोट है, माँ का रज है ये, लेकिन मुझे एक कहानी याद आ गई, सत्यन महाराज सत्वानंद जी ने वो स्टोरी सुनाई थी वहां पे बनारस में या कहीं पे बनाई थी, रामकृष्णानंद जी की बात है, रामकृष्णानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य, मद्रास की बात हो या और कहीं की बात हो, एक खिड़की थी, ये खिड़की है ना, और वहां पे उसको बंद करना था, ऊपर चढ़ के ऊपर से बंद हो गई, यहां नीचे उनका होल्ड ऑल पड़ा हुआ था, उनका होल्ड ऑल पड़ा हुआ था, एक लड़का था वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था, उसका होल्ड ऑल है पास में तो उसके ऊपर, तो रामकृष्णानंद जी का अरे उसके ऊपर चढ़ जा, उसके पैर खड़ा हो क्यों, रामकृष्णानंद जी के होल्ड ऑल को पैर से स्पर्श करूंगा, बाप रे बाप, नहीं नहीं वो नहीं, दूर दूर ऐसा करके एक बार दो बार तीन बार नहीं हो पा रहा है, तब रामकृष्णानंद जी ने कमेंट किया, एक समय ऐसा आएगा, आ ही गया है कि लोग हमारी चीजों की रक्षा करेंगे लेकिन हम जो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे। मां शारदा की रज को तो सिर पे लगाया, माँ शारदा के स्पर्श किया, वो बड़ी अद्भुत चीज है, लेकिन परनिंदा परचर्चा हम नहीं छोड़ेंगे, दूसरों के दोष देखना हम नहीं छोड़ेंगे, और मैं ऐसे कई लोगों को सीनियर साधु को जानता हूं, बहुत इन चीजों का संरक्षण करते हैं लेकिन परनिंदा परचर्चा, आप समझ गए उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू दीज थिंग्स, दे आर एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, और इसीलिए मैंने जो बात कही थी, अवजानंति मा मूढ़ा मानुषीम तरुमाश्रित परम भाव अजानत मम भूत महेश्वरम, बताया था ना, मां को व्यक्ति समझ लेते हैं, मां जगदम्बा है, हाँ, उनकी कौन सी रज होती है, वो तो सर्वव्यापी है, भगवान जो है वो तो क्या है ना, विश्वरूप हो गए थे तो सारी पृथ्वी जो है उनके चरण रज हो गई, सिर्फ गंगा को मानते हो, सिर्फ गंगा है, सारा पृथ्वी जगत चरण रज हो गया, यतीश्वरानंद जी का एक रेफरेंस है,
अनफॉर्चुनेटली हिंदी नहीं मिला मुझे. इंग्लिश पढ़ के उसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा. कुछ लोग जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए अनफॉर्चुनेटली होती किताब तो अच्छा रहता. गुरु के संबंध में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल The guru or the spiritual teacher has been given the greatest place of honor in India and elsewhere. Bharat aur Bharateshwar desho mein bhi guru ko anantikal se pehle ek samay se hi bahut uchchatam sthan uchchatam aadar diya ja raha hai. The Hindu scriptures go to the length of saying that guru is Brahma, Vishnu, Maheshwar, ne evam परम ब्रह्म सुप्रीम स्पिरिट इटसेल्फ. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ये तो हमारे शास्त्र तो यहाँ तक बात कहे गए हैं कि गुरु ही सब कुछ है. मोस्ट पीपल हावर फॉरगेट दैट दिस हैज बीन सेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल एंड नेवर फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. यह आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है, कभी भौतिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से नहीं कहा गया. द ट्रबल विद मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स इज दैट दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर ओन बॉडी एंड पर्सनालिटी एंड बिकम डिवोटेड टू अ मेल और अ फीमेल डीटी एंड रिमेन स्टक देयर. अधिकांश आध्यात्मिक साधकों के साथ समस्या यह है कि वे अपने आप को अपने शरीर और अपने व्यक्तित्व से ही जोड़ लेते हैं और एक नारी देवी या फिर एक पुरुष देवता उससे वे अटके रहते. एंड इफ दे हैव ए स्पिरिचुअल टीचर दे क्लिंग टू द फॉर्म एंड पर्सनालिटी ऑफ द टीचर आल्सो. अगर उनका गुरु है तो उनके शरीर और व्यक्तित्व से वे पकड़े रहते हैं. यतीश्वरन जी बार बार कहते हैं डोंट बी अटैच टू पर्सनैलिटी. व्यक्तित्व और शरीर को ही झुक पकड़े रहते हैं. This is nothing but materialism. ये केवल भौतिकवाद ही है. दो गिवन है स्पिरिचुअल केवल. तो इसको आध्यात्मिक रंग दे दिया लेकिन ये बिल्कुल भौतिकवाद ही है. However useful it may be in the beginning, this spiritual materialism must be transcended. But how to do it is a question. भले बिगनिंग में आवश्यक हो कि किसी एक मूर्ति को पकड़ के रखना, एक देवी देवता, एक गुरु को पकड़ना, लेकिन इसको आपको कभी न कभी इसके ऊपर जाना पड़ेगा. और इसके संबंध में श्री रामकृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं. लकड़हारी की कथा जानते हैं तो आप लोग, सब लोग जानते हैं श्री रामकृष्ण की लकड़हारी की कथा कि नहीं जानते? हाथ उठाइए जिसको नहीं मालूम. नहीं मालूम? आगे बढ़ो आगे बढ़ो. श्री रामकृष्ण कहानी सुनाते हैं कि एक वो आए. याद आ गया सबको? आ गया? श्री राम कृष्ण ये कथा सबको सुनाते हैं और उसके बाद में कई स्थान पर श्री राम कृष्ण वचनामृत में बोलते हैं. आगे बढ़ो आगे बढ़ो. आप कब तक इस स्थिति पर रहेंगे? तो मेरे को बहुत प्रसन्नता की बात होती है कि आप सेवा रूरल के लोग हो, निष्काम कर्म कर रहे हो और उस निष्काम कर्म के लेवल तो समझ गए. उसने कहा कि चंदन के आगे चंदन के वहां गया. उसके बाद उसने सोचा कि उन्होंने तो कहा था कि मेरे को आगे जाने को बुला है. आगे गया तो उसको चांदी की खान मिली, उसके बाद सोने की खान मिली और उसके बाद में उसको हीरे मोती हर रात की कहानी मिली. इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं वॉट एवर यू मे डू यू विल फाइंड Better and better things if you go or go, you only go forward. तो आप लोगों से मेरे को स्नेह इसलिए है कि आपने निष्काम कर्म के लेवल पे तो कर लिया, सोशल वर्क बहुत कर लिया, अब आगे चलो आध्यात्मिक जीवन में अंदर जाना, आगे जाना, अंदर जाना. श्री राम कृष्ण कहते थे डूब 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 रूप सागर है हमार मन. ये गाना गाना चाहते थे कि अरे रूप सागर में डुबकी लगाओ डुबकी लगाओ. उसमें जाओगे गहरे अपने आध्यात्मिक जीवन में जाओगे तो वहां पे रत्न बनेंगे. पावे प्रेम रत्न धन, बहुत प्रकार के रत्न हैं. अब इसको श्री राम कृष्ण कहते हैं उसके आगे एक कई स्थानों पर अलग अलग जगह कहा गया है. एक जगह कहते हैं पहला है सकाम कर्म लोग करते रहते हैं, दूसरा है थोड़ा निष्काम कर्म किया.
निष्काम कर्म किया उसके बाद नहीं और भी आगे चले, तो क्या हुआ, थोड़ा श्रद्धा हुई हमारे मन में भगवान के प्रति, श्रद्धा हुई। उसके बाद क्या हुआ, निष्ठा हुई, उसमें दृढ़ हो गए। उसके बाद थोड़ा सा भाव हुआ, क्या कहते हैं श्री राम कृष्ण, यू मे फील ए लिटिल एक्सटेसी एज ए रिजल्ट ऑफ जपा। जप किया, थोड़ा सा भाव आया, या प्रवचन हुआ, बातचीत हुई, टीचर लोगों का आंसू आ गए, ये भाव हुआ। आगे और है बाबा, थोड़ा आगे कुछ नहीं, किसी ने पूछा भी, प्रश्न भी किया था ना, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज द बिगिनिंग प्रोबेबली। उसके बाद क्या कहते हैं, बट डोंट एंड कंक्लूड दैट दिस इज वॉट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ नहीं मिल गया है। वर्क बाय नो मीन्स इज द गोल ऑफ लाइफ, कर्म जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। गो फॉरवर्ड एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म अनसेल्फिश वर्क। पहले कर्म किया, कुछ निष्काम कर्म किया, बट अगेन आई से दैट इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू परफॉर्म अनसेल्फिश वर्क, बड़ा आसान नहीं। कहीं ना कहीं से आ जाता है कि मैंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन किया, इतना बड़ा काम किया। फिर कहते हैं, देयरफॉर विथ लव एंड लॉन्गिंग यू इन द हार्ट प्रे टू गॉड, ओ गॉड ग्रांट मी डिवोशन एट दाई लोटस फीट एंड रिड्यूस माई वर्ल्डली ड्यूटीज। भगवान से प्रार्थना करिए व्याकुल होकर कि प्रभु आपके चरणों में मुझे भक्ति दो और मेरे कर्मों को कम कर दो। प्लीज ग्रांट मी द बून दैट द फ्यू ड्यूटीज आई मस्ट डू मे बी डन इन ए डिटैच स्पिरिट, मैं निष्काम भाव से कर सकूं, अनासक्त होकर कर सकूं। If you will still further go further, you will realize God, you will see Him, in time you will converse with Him. आध्यात्मिक जीवन में ये जो द्वैत जगत है ना, ड्युअलिटी का जगत है, यहाँ पे सुख दुख भी है, यहाँ पे द्वेष राग द्वेष है। अब ये जो इनके पास ये है, चीजें हैं, बढ़िया है, लेकिन ये चोरी भी हो सकती है। हो गए बेलूर मठ में, माँ शारदा का दांत, माँ शारदा के नाखून, माँ शारदा के बाल, ये सब वहां पे म्यूजियम थे, वो चोरी हो गए। ये जितनी चीजें हैं इनके साथ में, ये द्वैत जगत में है, रखने में जो सुख है वो उसके जाने में दुख है। जितना है संसार देख लो आप, पता लगा लो, परिवार में साथ में है, सुख में है, लेकिन दुख साथ में लगा ही हुआ है। संसार में सुख जो है वो दुख का मुकुट पहन के आता है हमेशा। आध्यात्मिक जीवन में भी एक लेवल ऐसा होता है, इस लेवल पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें भी सुख दुख संघर्ष होते रहते हैं। शुभ जीवन व्यतीत करने में भी जो कहा ना, भोगे रोग भयम कुले चुति भयम, महाराज ने एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को, सब पढ़ा हुआ है। लेकिन एक लेवल ऐसा है, ये द्वंद्वात्मक जगत के परे एक ऐसा चरम शांति का राज्य है जिसमें ये द्वंद्व नहीं आते। और ठाकुर बार बार कहते हैं, वहीं जाओ, वहीं पहुंचो। उस जगत की पहले थोड़ी सी झलक मिले, कम से कम झलक मिले, उसके बाद उसमें प्रवेश, झलक ही नहीं, प्रवेश करना है और आगे जाकर उसमें प्रतिष्ठित होना। और ठाकुर हमारे दृष्टांत, कैसे आनंद के राज्य में रहते थे, बार बार कहते हैं, यहां पर एक जगह है और दूसरी जगह भी है, उसमें उन्होंने लिखा है, श्रद्धा आएगी, उसके बाद में आपको निष्ठा आएगी, उसके बाद में आपको भाव होएगा, उसके बाद प्रेम होएगा, उसके बाद महाभाव होगा। भगवान को आप देखोगे नहीं, वार्तालाप करोगे, हैंडशेक। यतीश्वरानंद जी बोलते हैं,
मैं इसमें एक चार्ट बना है यतीश्वरानंद जी ने, देखा है आप लोगों ने, जो भी देख सके वहां से दूर है काफी। पहला लेवल है एक भक्त, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति, व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट होता है जिसमें उसे अधिक महानता दिखाई देती है। An ordinary man is drawn towards a holy personality, ये personality की बात है, and accords worship to him. दूसरे लेवल पे है, he sees more of divine glory, जैसे बढ़ता जाता है वो देखता है कि जो जिसका मैं भजन कर रहा हूँ उसमें बहुत दिव्यता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी हम जाते थे मंदिर में जाके, जैन मंदिर बड़ा अच्छा लगता था, प्रणाम करते थे, तो हम ज्यादा तो नहीं समझते। जैसे जैसे आगे बढ़े तो लगा कि जो तीर्थंकर है उसमें अधिक प्रकाश है, हम आध्यात्मिकता को अधिक समझने लगे। सेकेंड, थर्ड लेवल में है, ए रियलाइज्ड दैट बी इज ए ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन व्हाइल ए हिमसेल्फ इज ए पुअर मैनिफेस्टेशन बट ए मैनिफेस्टेशन एनीवे ऑफ द सेम इंफिनिट रियलिटी। इसमें एक चक्र बना दिया ऊपर चारों में, वो भी है, ए भी है, बी भक्त भी है और इष्ट भी है, लेकिन ये दोनों जो है वो एक अनंत चैतन्य सत्ता के दोनों अंग हैं, लेकिन मेरे इष्ट के अंदर अधिक प्रकाश है, मुझ में भी है लेकिन अधिक प्रकाश है। यहाँ बार बार उस पॉइंट को ले रहे हैं, याद रखिए, व्यक्तित्व की बात ने अवजानन्ति मां मूढ़ा, उसके पहले भगवान ने उनके ऐश्वर्य की चर्चा की है, देवत्व की चर्चा की है, मैं सर्वव्यापी हूँ, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला हूँ, ये भाव मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जब कभी हम जैसे श्री राम कृष्ण हो मूर्ति की को उपासना श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, याद रखिए कि उसके पीछे चैतन्य सत्ता है परमात्मा को प्रणाम। तीसरा लेवल, चौथे लेवल में क्या हुआ, पर्सनैलिटी चली गई, मेरी पर्सनैलिटी भी कमजोर हो गई है, इष्ट की पर्सनैलिटी भी चली गई, नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक ये है। चौथे में ए फाइंड्स A realizes that he is a soul, like a point of pure consciousness, while reality is like a circle of pure consciousness. But the point seems to be more real than the circle. Paramatma jo hai, wo kya hai? Ek circle ki tarah hai, pure consciousness hai. Mujh mein bhi consciousness hai. Main soul hoon. Main shareer nahi hoon. मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अधिक सत्य समझता हूं। परमात्मा जो है वो कम सत्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्टेज में लगता है कि मैं और परमात्मा एक लेवल के सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं। मैं अपने आप को कम सत्य प्रतीत लगता हूं। आज हम कितने स्ट्रांग लग रहे हैं, परमात्मा है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान होता है नहीं होता है, उनकी रियलिटी नहीं लगती। लेकिन आगे चलकर अगले स्टेज पे छठे स्टेज में आता है, ए फाइंड द सर्कल मोर रियल देन द पॉइंट। परमात्मा जो है वो अधिक सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं, मुझसे अधिक सत्य प्रतीत होते। उसके बाद में है सातवें में, द सर्कल द पॉइंट कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट इन द सर्कल कॉन्शियसनेस ऑफ इन्फिनिट रियलिटी। ये द्वैत पर जो साधना होती है, धीरे धीरे भगवान जो है वो अधिक अधिक सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं, अधिक अधिक, और हमारी आत्मा, हम जो हैं, हम अपने आप शरीर को भूल जाते हैं, अपनी आत्मा जो सत्य प्रतीत हो रही थी वो भी परमात्मा भी भूल गई। उसके बाद में द सर्कल विच इज द इन्फिनिट रियालिटी सीन टू मैनिफेस्ट एज इटसेल्फ एज मेनी सोल्स एंडोर्ड विद ग्रेटर और लेसर डिवाइन ग्लोरी। जो परमात्मा हमने देखा वे ही संसार के विभिन्न रूपों में प्रकट होते दिखाई देते हैं, किसी में अधिक प्रकाश है, किसी में कम प्रकाश है, इस प्रकार से। और फिर आखिरी के तीन जो है, जो इस प्रकार का रियलाइज व्यक्ति है वो किसी भी लेवल पे रह सकता है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, आगे बढ़ो। अब देखिए हम कहाँ हैं, फाइंड आउट कहां पे हम। यतीश्वरानंद जी ने
ये चार्ट मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया था दीक्षा के बाद जब बातचीत वगैरह करते थे तो ये इस प्रकार का बना दिया है उस प्रकार ये A4 साइज में था पांच ऊपर थे पांच फिगर्स नीचे ऊपर थे छह फिगर या छह फिगर ऊपर थे छह फिगर नीचे थे उसके बाद में ये लिखा हुआ था यहाँ पे एक पेज पे कर दिया है और दूसरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ 542 एंड 543 नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जंगल से चंदन के जंगल में आ गए ठाकुर के शरण में आ गए भक्ति का आपको अनुभव हो गया है थोड़ा सा उसमें आनंद आता है रस आना आता है अब आगे बढ़ना नहीं क्या होगा फिर जंगल में चले जाए फिर संसार के जंगल में चले जाए और वो कैसे करना पड़ेगा स्ट्रगल करना पड़ेगा साधना करनी पड़ेगी उस तरह जाना पड़ेगा व्याकुलता बढ़ाने पड़ेगी विचार करना पड़ेगा जो बार बार होता है ये कि भाई ये संसार जो है वो अनित्य है इसको छोड़कर मुझे आगे जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यतीश्वर एनर्जी बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस या एक पर्सनैलिटी से अटैच होने की बात यतीश्वर एनर्जी एक जगह और भी कहते हैं उसको पढ़ डालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा नहीं है छोटा सा है एज वन एडवांसेस इन द स्पिरिचुअल पाथ वन मस्ट कम टू रियलाइज दैट द वर्शिपर इज अ सोल एंड द डीटी दैट इज वर्शिप्ड इज नन अदर देन परमात्मा हिमसेल्फ अभी जो बता दिया जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये अवश्य अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं मैं एक आत्मा हूं और जो भगवान जिसकी पूजा कर रहा हूं वह परमात्मा है अब ये जो जब आपको ये चीजें दी जाती हैं दिखाई जाती हैं तो ये क्या है व्यक्ति से संबंधित है याद है और इनका जो महत्व है ये सोशियोलॉजिकल महत्व है इनके चारों ओर आपका रामकृष्ण संघ गठित हो जाता है इत्यादि हो जाता है आप देखेंगे यूरोप में जाइए बड़े बड़े चर्चेस हैं तो उसमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का बॉडी पड़ा हुआ है उनका स्केलेटन पड़ा हुआ है उसकी पूजा हो रही है ये चीजें क्या है मटेरियलिज्म है भौतिकवाद है बिल्कुल लेकिन उसके ऊपर सारा चर्च ऑर्गेनाइजेशन सोशल ये है धर्म का सोशल एस्पेक्ट अच्छी तरह समझना सामाजिक एस्पेक्ट है सामाजिक पक्ष है ये धर्म का अध्यात्म से इसका कोई लेना देना अध्यात्म में अपने आप को संघर्ष करना है उसके आगे जाना मैं जैसे कहता ना रिलीजन का एक सोशल एस्पेक्ट है सामाजिक एस्पेक्ट है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है कि नहीं आप देख लीजिए भारत में सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आपको मोदी को लेके सब चल रहा है कि नहीं वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इट बी वेरी केयरफुल अंदर जाना पड़ेगा तो वो रिधि क्या है रिधि वृंदावन है हृदय रूपी वृंदावन में वास बाहर वृंदावन नहीं है सारा वृंदावन हमारे भीतर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना चाहिए उसके बाद में कहते हैं द सोल इज एज इट वेयर पार्ट ऑफ परमात्मन द इन्फिनिट स्पिरिट एंड द गुरु ऑल्सो इज इन ट्रू नेचर ए डिवाइन मैनिफेस्टेशन थ्रू होम फ्लोज डिवाइन ग्रेस नॉलेज लव एंड ब्लिस जो परमा सोल है हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंग है उसी प्रकार जो गुरु हैं वो भी आत्मा परमात्मा के अंग हैं उनके उनका एक रूप है जिनके माध्यम से हमें कृपा ज्ञान भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है हमारा कार्य क्या है द टास्क बिफोर अस इज हाउ टू रियलाइज दिस दैट ट्रुथ ट्रुथ That the devotee, Ishta Devata and Guru are the manifestations of the same transcendental spirit. अब हमको करना क्या है ये अनुभव करना है कि जो परमात्मा हमारी आत्मा और गुरु वो एक ही सत्ता के अंग है इसका अनुभव करना है इसके लिए वो एक उपाय बताते हैं जो मैंने चर्चा की है Before you begin your meditation, let us first consider body as a temple. इस शरीर को ध्यान जब करो तो शरीर को एक टेंपल समझो एक टेंपल एक मंदिर समझो
We may now enter this temple through the gateway of heart. Hriday rupi ek darwaje ke madhyam se is temple mein ghusiye. Aur apna sochiye ki aapka jo hriday hai woh prakash se purna hai. Aur and the consciousness of jivatma, which is a part of Paramatma, the infinite light and infinite consciousness. Aur ye prakash jo hai woh jivatma hai jo Paramatma ka ang hai. जो अनंत ज्ञान और प्रकाश से पूर्ण है. अब क्या करिए? लेट अस मर्ज अवर बॉडी एंड माइंड एंड द होल वर्ल्ड इन दिस इनफिनिट रियलिटी. ये हमारा मन शरीर सारा जगत को उस परमात्म ज्योति में विलीन कर दीजिए. एंड इमेजिन दैट वी आर लाइक ए लिटिल स्फीयर ऑफ लाइट एंड कॉन्शियसनेस इंटरपेनिट्रेटेड एंड परमिनेटेड बाय इन्फिनिट लाइट एंड इन्फिनिट कॉन्शियसनेस. अब कल्पना कीजिए कि हम छोटे से प्रकाश हैं और हमारे भीतर परमात्मा का चेतना और प्रकाश चारों तरफ से व्याप्त हो रहा है. Since this form of meditation is beyond the reach of ordinary people, अधिकांश के लिए कठिन है ना? इसलिए कहते हैं, let us think that our souls put on a pure mental body and pure physical body, and Paramatman takes the form of Guru on one side and Ishta Devata on the other. After saluting the Guru, we should merge his personality in the Ishta Devata and meditate on him or her, repeating the Ishta Mantra. क्या करना है? ये नहीं हो सकता था. इसलिए सोचिए कि जो परमात्मा सत्ता चारों ओर विद्यमान है, उसने कि मेरे इष्ट का रूप ले लिया है, मेरे गुरु का रूप ले लिया है और मेरा रूप ले लिया है. अब परमात्मा का ध्यान कीजिए ना, रूप का ध्यान कीजिए, और उसके बाद में जब हो गया तो तीनों को फिर उस चैतन्य सत्ता में विलीन कर दीजिए. मतलब क्या हुआ? जो फिजिकल पार्ट है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, रूप है, उसको हम सेकेंडरी पार्ट देते हैं जब तक हम उसके बिना नहीं चलता, इसलिए उसको हम लेकर करते हैं. फिर कहते हैं, फर्स्ट इज रूप ध्यान, दैट इज टू मेडिटेट ऑन द ल्यूमिनस फॉर्म ऑफ द डीटी. पहले परमात्मा के ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करना, ये रूप ध्यान है. नेक्स्ट इज गुण ध्यान, दैट इज टू मेडिटेट ऑन द इन्फिनिट गुड क्वालिटीज ऑफ द डीटी, लाइक इन्फिनिट प्योरिटी, नॉलेज, लव एंड ब्लिस. दूसरा लेवल है रूप ध्यान. आपने दे दिया, परमात्मा जो है वो आनंदमय है, प्रेममय है, करुणामय है, दयामय है, इस प्रकार का ध्यान करना. और थर्ड है स्वरूप ध्यान, दैट इज टू मेडिटेट ऑन द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस ऑफ विच द होली पर्सनालिटी द गुरु एंड द डिसाइपल आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस. वह स्वरूप ध्यान सच्चिदानंद का ध्यान, सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान, जिसके ये तीनों अंग रूप हैं, इष्ट, गुरु और शिष्य, तीनों उसी के अंग हैं. आगे कहते हैं, the spiritual seeker should always remember that the idolizing of a human form and blind worshipping of a human personality are stumbling blocks in spiritual progress. Yaad rakhiye, kisi vyaktitva ko pakde rehna aur usko aankhein band karke uski pooja karna, ye aadhyatmik jeevan mein badhaye and are harming to both the disciple and the guru. Guru aur disciple dono ko nuksan hota hai. गुरु को पकड़े हुए हैं, व्यक्तित्व को पकड़े हुए हैं. अरे वो नहीं समझते हैं कि गुरु और व्यक्तित्व ऊपर रहने चाहते हैं, तुम उनको नीचे खींच रहे हो. आगे बोलेंगे महाराज, ए ट्रू टीचर इज फ्री सोल एंड वुड वेरी मच लाइक टू सी दैट ऑल हिज डिसाइपल्स स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. जो गुरु है वो एक मुक्त आत्मा है, वो चाहता है कि बाकी जो है शिष्य हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो, वे मुक्त हो. Realize their divine nature, solve their individual problems, developing a cosmic outlook. अपनी समस्याएं खुद सुलझा, दूसरे किसी व्यक्तित्व पर बोझा न बने, उनके ऊपर डिपेंड न हो. If the disciple continues to cling to Guru's personality and look upon him for help and guidance in every step, he feels the drag and regrets his inability to make them attain the spiritual strength and freedom which he himself enjoys. अगर आप किसी व्यक्ति पर गुरु के रूप में बहुत डिपेंड करते रहे तो उसको लगता है कि खींच रहे मुझे, ड्रैग, और मैं क्या करूं ऐसे लोगों को, क्या मदद करूंगा.
मदद ही नहीं कर सकते। अरे तुम उठो बाबा, तुम भी एंजॉय करो जो ब्लिस हम एंजॉय करें। तो यही लग रहा था कि तुम आप लोग जरा ब्रह्मेशानंद की पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हो। He will rather have one soul as a free soul as a disciple than a multitude of them following him blind. एक व्यक्ति एक शिष्य काफी है जो ठीक ठीक फॉलो करता है। भेड़िया दसान सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, नाम कर रहे हैं, खींच रहे हैं। It is for this reason that the wise spiritual teacher deprecates the idea of blind personal service which is very common in India. गुरु के हाथ पैर दबाना, उनकी पूजा करना, कपड़े धो देना, ये करना, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कभी पसंद नहीं करती। ज्योतिश्वरानंद जी बड़े शांत प्रकृति के थे, उनको अगर गुस्सा दिलाना चिढ़ाना हो तो अब जाके उनके पैर दबाना चाहिए। इतना गुस्सा हो जाते थे, चले गए। Never liked it. Most of the disciples forget that the following of the ideal and living the life are much more important than attending on the guru or person. जो ideal बताया गया है, जो बात बताई गई है, उसको पालन कीजिए, जीवन में उतारिए, वो ज्यादा important है। ये उसकी ठीक ठीक सेवा। We should so train ourselves that instead of depending too much on the outside guru, teacher, we depend more and more on the inward guru, indwelling guru. Guru हमारे बीच में है, उन पर अधिक निर्भर करो, बाहरी गुरु पर मत निर्भर करो, and reach a state of spiritual consciousness which we must be able to maintain whether the guru is alive in this world और has passed away. एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होना चाहिए कि गुरु रहे या न रहे वो सदा बनी रहे। गुरु रहे या न रहे ही नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि संसार की कैसी भी परिस्थिति में पड़े हो हमें वो चेतना कॉन्शियसनेस डिवाइन कॉन्शियसनेस हमेशा बनी रहे। As भगवान श्री राम कृष्ण said, whether from this room to that room, गुरु इस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाए। श्री राम कृष्ण जी से कहा था, माँ से कहा था, अरे मैं कहाँ गया हूँ, इस कमरे से दूसरे कमरे में, कहीं नहीं गया श्री राम कृष्ण, यही यतीश्वरानंद जी की महासमाधि के बाद में हम निर्वाणानंद जी के पास में गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अरे पहले तो तुमको बेंगलोर जाना पड़ता था उनके दर्शन करने के लिए, अब तो कहीं नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास में जब चाहो उनके पास चले जाओ। The danger of following into the rut of the guru cult can be avoided only by meditating on the formless infinite spirit in the aforesaid way, which is also infinite knowledge, infinite love and infinite bliss. ये कहा है कि इसी प्रकार से इसको गुरु कल्ट जो है इसके रट से बचने के लिए एक निराकार का सगुण निराकार का ध्यान करना चाहिए जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम है जिस प्रकार हम कहते हैं। अगेन व्हेन वी रिटर्न टू द प्लेन ऑफ पर्सनालिटी वी शुड स्ट्रेस मोर स्पिरिट एंड नॉट द फॉर्म। जब हम बाह्य जगत पे काम करें उसमें भी व्यक्तित्व को इतना महत्व न देवें जो आत्मा है उनको मनाए। It is to get it good to meditate on infinite spirit, merging all forms into it, and try to be established in the supreme consciousness through repeated practice. उस supreme consciousness में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न हमें विभिन्न बार बार प्रयत्न के द्वारा करना चाहिए। ये महापुरुष हैं, ये प्रतिष्ठित थे और वो जानते थे कि उसमें अनंत आनंद है, इसलिए हमको बार बार बताया। और हम एक ही लेवल पे थोड़ा सा आया, हाँ रिट्रीट बड़ा अच्छा हुआ, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, मोर एंड मोर यू हैव टू गो टुवर्ड्स दैट साइड। और इतना आनंद है, इतना सुख है, एक ऐसे द्वंद्वातीत जगत में आप चले जाओ, इसीलिए तो बार बार बताते हैं। दिस हेल्प्स नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर towards the realization of perfect freedom and peace. The Guru-Shishya ke sambandh mein unhone ek warning diya
किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व में हमें अटके नहीं रहना चाहिए। और ब्रेक के बाद में मैं वो फोटो बता दूंगा आप लोगों को जो स्वामी तपस्यानंद जी का मैंने बताया था ना, वो एक्सट्रीम जो है वो मैं आपको बता दूंगा कैसा पर्सनालिटी व्यक्तित्व से जकड़े रहते हैं, ऐसी भयानक स्थिति। आगे चले, ये मैंने इसलिए कहा कि जो पर्सनालिटी की बात है अभी वो अवजानंति माम बूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, व्यक्तित्व से ऊपर उठिए, व्यक्तित्व रहेगा शरीर से जकड़े रहेंगे तो जरा मृत्यु भय इत्यादि सब बना रहेगा, इसमें कुछ नहीं। इससे जैसे आप ऊपर उठेंगे जितना अधिक उठेंगे उतना आनंद और फ्रीडम, आनंद और फ्रीडम। 29 हो गया था, अपिचेसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुः एव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। आप लोगों के लिए नहीं है ये श्लोक, आप लोग दुराचार नहीं है। और सुदुराचार तो बोर की बात है, सुदुराचार यानी बहुत पापी, अजामिल जैसे, तो पापी शराब पीते थे, लोगों को मारते थे, तंग करते थे, कबाबी शराबी वे बिचारी सभी थे। और जब चेंज हो गए तो संकट, और असंख्य दृष्टांत आप ले लीजिए, वाल्मीकि के दृष्टांत लीजिए, सुदुराचारी मारना तो हत्या करना तो स्वभाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भी अनन्य भाग अनन्य भक्ति से द्वारा अगर मेरा भजना करता है साधु एवं सब मंतव्य, उसको साधु ही मानो। क्यों? वो शीघ्र साधु बन जाएगा, अगले श्लोक में आएगा। दूसरी बात बताऊं, इस दृष्टि से जो पापी और दुरात्मा है ना वो हम लोगों से बेटर है। गिरिशचंद्र घोष बोलते थे कितने पापी थे, तो ऐसा पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। मैं जहां बैठता हूं वहां की 4-7 फीट जमीन जो है वो पापी हो जाती है, ऐसे बोलते थे। शराबी कबाबी वो कहीं के किसी का चीज उठा के ले आते थे, चोरी कर लेते थे, मारता था तो मारते थे, व्यभिचारी हत्या वगैरह की थी। कहते हैं कि जिस इंटेंसिटी से उन्होंने वो किया था वो इंटेंसिटी, हम लोग गुडी गुडी लोग हैं, बना तो बना तो बन जाए, ढीला ठाना चलेगा, थोड़ा भजन कर लिया, अच्छा गुडी 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 समझ गया ना, गुड। इसका मतलब ये नहीं कि आप पप करना शुरू कर दिए, इंटेंसिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री रामकृष्ण का सारा जो मैसेज है ना वो बढ़ो इंटेंसिटी, व्याकुल हो इंटेंसिटी, अरे क्या कर रहे हो। वो निरंजन आए उसको सामने, पहले भी आ रहे आए थे निरंजन, अरे निरंजन रो रहे, अरे टाइम चला जा रहा है, अपना जीवन चला जा रहा है, 17-18 बरस के जीवन चला जा रहा है, तू कब करेगा, रो रहे हैं व्याकुल। दैट इंटेंसिटी हैज टू कम, दैट इंटेंसिटी हैज टू कम। और ये इंटेंसिटी ये दुराचारी लोग जो होते हैं उनमें समाज की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा कर दी ना, वो बड़ा बहुत बड़ा बंधन होता है, उसका सब काट डाला। स्वामी विवेकानंद इसीलिए जब कोई वहां पे आए थे वो लोग कुछ शिष्य बनने के लिए अमेरिका से लौट कर जब आए
मद्रास में आए, लेक्चर दिया तो लोगों ने बड़े प्रभावित हुए, यंग पीपल कुछ आए और आकर कहने लगे कि आपके हम शिष्य बनना चाहते हैं। ऊपर से नीचे देख देगा, दुबले पतले, कुछ दम नहीं। एक अच्छा मैं कहूंगा जो करूंगा, हाँ हाँ आपके शिष्य, मैं तुमको डाका में डालने को दूंगा तो कहूंगा तो करोगे, हत्या करने को कहूंगा तो करोगे, चोरी करने को कहूंगा करोगे। चुप रहे महाराज, स्वामी जी आप ये क्या करें। हाँ मैं ठीक कर, तुम समझते हो कि आध्यात्मिक जीवन आसान है, उसके लिए भी तुमको साहस चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो करने को बोल रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी तो होनी चाहिए, और एक सुदुराचारी जो होता है उसमें इंटेंसिटी। और ऐसे लोगों आप देखेंगे इतिहास में कई स्टोरीज ऐसी हैं कि जो लोग जो टर्न होते हैं तो वे लोग ऑर्डिनरी आदमी से आगे, बहुत आगे निकल जाते हैं, तत्काल निकल जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम लोग सुदुराचारी नहीं, सदाचारी हैं, लेकिन गुडी गुडी नहीं रहे हैं। हमको बहुत सारे क्रेडिट मिले हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट मिले हैं, हमको पाप को दूर नहीं करना है। लग जाए, लग जाए। एक और बात स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी कही है, इसको आप अपने जीवन में किस प्रकार से मेंटल लेवल पर कर सकेंगे मैं नहीं कह सकता। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद थे और जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने जो लेक्चर दिया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उसका प्रभाव पड़ा था मालूम है आपको, है ना। लोगों ने बाद में पूछा जब उनके शिष्य हुए कि आप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा बोला और सारे सब लोग जो है वो तालियां बजाने लग गए, पैरों पर खड़े हो गए, क्या आपने कुछ पावर यूज किया था, योगिक पावर यूज किया था। देखिए हाँ, योगिक पावर यूज किया था। इट वॉज द पावर ऑफ प्यूरिटी। पातंजल योग सूत्र में क्या है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर वीर्य की प्राप्ति होती है, और इसी है वीर्य लाभ, एनर्जी, पावर। और वीर्य की परिभाषा करते हुए वहां पे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है जो कुछ बोलता है लोग उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखकर उनके आवाज को, उनके लोगों को फॉलो करने को बाध्य हो जाते हैं, ऐसी शक्ति होती है। और स्वामी विवेकानंद उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग मैं क्या करता रहा, जो भी सेक्सुअल थॉट आए, आई ट्राई कंटिन्यूअसली कन्वर्टेड माई सेक्सुअल एनर्जी इंटू स्पिरिचुअल एनर्जी। और ये सेक्सुअल एनर्जी मानसिक स्तर पर आती है, फिजिकल स्तर पर आती है। मानसिक स्तर पर बहुत सारी आती है, फिजिकल स्तर पर तो सेक्सुअल एक्ट तो एक 5 मिनट की बात है, खत्म हुई बात। लेकिन चिंतन कितना होता है, जब कभी मन में इस प्रकार के कुविचार आवे तत्काल भगवान के साथ जोड़ दीजिए। कन्वर्टिंग ऑल योर सेक्सुअल एनर्जी इंटू स्पिरिचुअल एनर्जी। जब किसी के ऊपर गुस्सा आवे, कोई पाप करने की वृत्ति हो, ये करते हैं, यही करते हैं जो सुदाचारी, जो बदलते हैं, अनन्य हो जाते हैं, जब कभी बुरी विचार आए भगवान को जोड़ दिया, बुरा काम करने की इच्छा हुई भगवान को जोड़ दिया, किसी को हिंसा घिंसा करने की इच्छा भगवान को जोड़ दिया। ठाकुर कहते हैं क्रोध है तो भगवान से क्रोध करो, अपने से दूर बुराइयां हैं उनको दूर करो, लोभ है तो भगवान को प्राप्त करने का लोभ करो, सारी बुराइयों को भगवान की ओर जोड़ दो, मोड़ दो। और विशेषकर जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम कितनी एनर्जी, साइकिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी, आध्यात्मिक, ये जो है इस एनर्जी को सांसारिक दिशा में व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, खास करके भावनात्मक लेवल पर। इंटेलेक्चुअल बात तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन भावनात्मक लेवल में जब भी कोई दूसरा विचार आवे तत्काल उसे भगवान में प्रकट कर देना। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, इसको किया जा सकता, और उसके बाद तब कहेंगे वो पूरा बदल जाता है व्यक्ति, उसने स्वीकार कर लिया है, वो तैयार हो गया है कि मैं साधु बनूंगा। बस सम्यक व्यवस्थित
उसने संकल्प कर लिया है, ठीक संकल्प कर लिया। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब हायर लेवल में दुराचारी हैं, तो हायर लेवल से हम सब दुराचारी हैं, स्वामी विवेकानंद की प्यूरिटी के लेवल से, श्री रामकृष्ण के त्याग के लेवल से हम सब दुराचारी हैं। अब सम्यक व्यवस्थिति कीजिए कि वो भजते माम अनन्य भाग, भगवान के अनन्य भाव से मैं भजना करूंगा, करूंगी भगवान के अनन्य भाव से कब भगना करूंगी। आप लोग लिखते हो, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू ग्रास्प दिस फोर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम सभी थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करेंगे तो कहेंगे कि हम लोग पापी हैं, है ना? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के इसमें तो सब पापी, सबको पापी पाप कहते हैं, ठाकुर नहीं पसंद करते थे, लेकिन है तो सही, हमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब का सब किसी न किसी रूप में बना हुआ, आसक्ति बनी हुई है, और हम सारी बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हैं। निश्चय कर लीजिए कि नहीं, सारा भगवान में लगाएंगे, अनन्य भाग, और भजते भजन करता है सम्यक व्यवस्थित, संकल्प कर लीजिए कि हम जितनी हमारी बुराइयां हैं सब भगवान को जोड़, मन में विचार उठा के उसके साथ ऐसा एसोसिएशन कर दीजिए, लोभ की वृत्ति उठी के उसके साथ ऐसा एसोसिएशन करके भगवान का स्मरण, क्रोध की वृत्ति उठती भगवान के साथ उसका संबंध हो जाए, किया जा सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं किया जा सकता, और तब देखते हैं हमारे पास कितना एनर्जी आ गई, हमारी स्पीड बहुत आगे तेजी से बढ़ गई। मैं ये भी कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान ने जितनी साधना के साक्षात्कार के लिए वस्तु की आवश्यकता है वो सब के सब उन्होंने दिए। लाटू महाराज, उनमें तो कुछ नहीं था ना, पढ़ा लिखा नहीं था, कल्चर नहीं था, ये सब नहीं था, जितनी उनमें सद्गुण थे, जितनी उसकी क्षमता थी, उससे उन्होंने साक्षात्कार किया। ठाकुर के जितने डिसाइपल्स थे उनके अपने अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सद्गुण थे, उनसे उन्होंने प्राप्त किया, दुर्गुण भी थे। निरंजनानंद जी में वो दुर्गुण था, वो गुस्सा आ जाता था, ठाकुर ने उसको भी दिशा दी। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में भगवत साक्षात्कार के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं भगवान ने सब दे रखी है। ये मत समझिए कि वो सुपीरियर है, वो मेरे से अधिक उसमें सद्गुण है, वो आगे बढ़ जाएगा, वो नहीं। अब ये है कि आप उसको किस प्रकार से भगवान की ओर, इस दृष्टि से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपिचे सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव, आगे भगवान कहेंगे अरे पापी व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है तो फिर बाकी आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आगे आएगा वही से एक्चुअली कमेंट्री हो ही गई है जो बोल रहा, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप तो ब्राह्मण वैश्य अपन वो सब है, स्त्री शूद्र जो भी हो अगर पापी नहीं हो तो हो जाएगा, किम पुनः ब्राह्मण शूद्र ऐसा आएगा। चले आगे, आप वो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बताने वाले थे कि काम क्रोध हो उन सबको किस तरह से वो, नहीं वो तो इंटरनल बात हुई ना, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ऑल आई कैन वेंट ऑन टर्निंग एवरी ईविल थॉट, जो भी हमारे काम संबंधी जितने भी विचार जितनी भी नाचे वो सब मैं भगवान की तरफ टर्न करता हूं। तो आई गॉट ए क्यू फ्रॉम दैट, ये संकल्प की बात है। And then you will find that a lot of changes take place. Shri Ramakrishna, Swami Vivekananda, they are the examples. उपन के इनके in between lines जिसे कहते हैं ना, बीच बीच में जो बातें कही गई हैं, उनको आप सावधानी से पढ़िए, तो आपको दिशा प्रदान। Yeah.
अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो जब भी क्रोध आया भगवान की ओर इमीडिएटली भगवान का चिंतन करने एसोसिएशन कर दीजिए, लोभ आया मन में भगवान का चिंतन चालू कर दीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किसमें क्या चीज है, कोई अहंकारी है, अहंकार आया तो भगवान के साथ एसोसिएशन कर दीजिए, ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। याद रखिए भगवान यहाँ पर उसके साथ साथ लक्ष्मी बता रहे हैं, शांति, छोटी मोटी शांति, 3 दिन की स्पिरिचुअल रिट्रीट की शांति, हाँ उसका कुछ इफेक्ट पड़ा हुआ है, 7 दिन 15 दिन घर पर शांति, शश्वत शांति नहीं, शश्वत शांति नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या है, उत्सिज्य बाह्याम दुराचारात अंत सम्यक व्यवस्था व्यवस्याय सामर्थ्यात, आंतरिक यथार्थ निश्चय की शक्ति से बाहरी दुराचारिता को छोड़कर, बाहरी दुराचारिता को छोड़कर वो लग जाता है निश्चय के साथ में। क्षिप्रम भवती, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, ये बता दिया, पूरा डिस्कस ऑलरेडी हो जाए, दे गो फास्टर देन ऑर्डिनरी पीपल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शाश्वत शांति प्राप्त करता है, हम लोगों की छोटी मोटी शांति बनत बनत बन जाई, शश्वत शांति निगच्छति, हे कौन्तेय नमे भक्तः प्रणश्यति, प्रतिजानी ही याद रखो मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अगर कोई पापी भी हो मुझे उसने स्वीकार कर लिया है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसको नाश नहीं। और इसके आप दृष्टांत देख लेंगे, कई दृष्टांत हैं हमारे श्री रामकृष्ण परंपरा में हैं, पापी लोग कितने पापी लोग, एक ठाकुर बेलूर मठ में थे, उन्होंने कहां देखा था इसे मालूम नहीं, बग्गी में जाते हुए रेड लाइट एरिया से देखा, या फिर वो स्नान करने आई थी एक वेश्या, रमणी नाम था, स्नान कर रही थी, ठाकुर ने उसको माँ जगदम्बा देखा। तो एक बार उधर से जा रही थी तो ठाकुर ने कहा अरे अरे कुथा जाच्छो, वहां की महिलाएं बैठी हुई थी भक्त, तो वो बलराम बाबू के घर की और सब महिलाएं बैठी हुई थी, तो ठाकुर को जाने गए, अरे केमन आछो कैसे हो तुम, इन लोगों ये कह रहे राम, ये ठाकुर का इससे क्या संबंध है, इसका इंटीमेट बात कर रहे हैं, बड़ी इंटीमेसी है इसकी क्या। फिर बाद में ठाकुर बाद में आके कहते हैं कि वो भी माँ का रूप है जैसे तुम लोग माँ के रूप हो, रूप है, और उसको ठाकुर माँ बोलने लग गए थे, रमणी नाम था उसका ठाकुर, और उसने माँ ठाकुर को पुत्र मान लिया था। आगे क्या हुआ वर्णन आता है, ठाकुर के शरीर जाने के बाद वो माँ के पास जाया करती थी उद्बोधन में, और माँ उसको चरण स्पर्श करके प्रणाम करती थी, ये सासू आ गई मेरी, और वो भी स्वीकार कर लेती थी, तुम ही क्या कर, तुम क्यों कर रही हो, तुम मत बने नहीं, तुम मत प्रणाम करो, वो बोलती थी, लेकिन माँ प्रणाम करती थी, वो कहती थी बहू बहू करके बोलती थी, बहू माँ बहू कहती थी, अरे छेले को बोलो ना, पुत्र को बोलो ना, अब संसार में रहना नहीं चाहती, सब कुछ छोड़ दिया था वो, पर पूरा परिवर्तन हो गया ठाकुर का चिंतन करते,
अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती थी, चाहती ठाकुर को, है ना, छेले को बोलो ना, पुत्र को, मेरे पुत्र को बोलो कि अब मैं मुक्त हो जाऊँ। माँ आती थी उनको बिल्कुल सासू जैसा उसका दिल। कितने लोग ठाकुर के पास आके परिवर्तित हो गए। गिरीशचंद्र घोष, दानाकाली, दानाकाली का दृष्टांत जानते हैं। तो श्री गिरीशचंद्र घोष का दोस्त था, काली, काली नाम था उसका, कालीपद घोष, और दाना यानी दानव, लोग दानव बोलते थे। वो भी गिरीशचंद्र का ट्विन ब्रदर था, सब कुछ करता था। उसकी पत्नी ठाकुर के पास आई, मेरे पति के लिए कुछ कर दो। ठाकुर ने माँ के पास भेज दिया। वो वहाँ पे वो है, वो बहुत पावरफुल है, वो देवी उनके पास चले। माँ ने फिर भेज दिया, अरे नहीं नहीं वही है। दो तीन बार हुआ, तब माँ को कृपा दया आई। उन्होंने एक बिल्व पत्र के ऊपर ठाकुर का मंत्र लिख दिया कि इस मंत्र का जप किया। 12 वर्ष तक इस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के लिए 12 वर्ष जप किया। उसके बाद जब ठाकुर एक बार इससे मिले तो पूछा, ठाकुर ने देख के कहा, साला ये 12 वर्ष तक अपनी पत्नी को जला के आया, उसको तो पता ही नहीं, वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर कहते हो क्या चाहते हो? वो शराबी कहते हैं, कुछ शराब वराब दे सकते हो? देखिए हाँ है मेरे पास में, लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसका नशा सहन कर सकोगे? तो कहते कि ब्रिटिश वाइन है क्या? देखिए नहीं, तो ब्रिटिश वाइन से भी ज्यादा है। देखा सोचिए, हाँ देव श्री रामकृष्ण को स्पर्श कर दिया या जीवा पर लिख दिया, कुछ इंटरप्रेट है वो जीवा पर लिख दिया। उसका परिणाम ये हुआ, मंत्र लिख दिया, याद रहे गुरु, ठीक है, गुरु उसको स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। वो तो आंसू आने लगे, भाव में विभोर, आंसू आंसू आ ही रहे, आ ही रहे हैं, सहन नहीं, कंटिन्यूसली भाव में विभोर। फिर श्री रामकृष्ण ने स्पर्श कर दिया। और फिर एक बार श्री रामकृष्ण को कलकत्ता जाना था, इतने में ही कालीपद आ गया। देखिए हमारे नौका में जा रहा है, चलो मैं, हाँ मेरे चलता हूँ कालीपद में नौका के साथ, मैं ठाकुर को जाना है कलकत्ता, वो नौका लेके चले। उसने माझी को बोल दिया कि बीच नाव मझधार में ले जाओ। हाँ नौका में ले गया, फिर वहाँ जाके ठाकुर ने चरण स्पर्श कर लिए, पकड़ लिए। भगवान प्रभु मैं तो जानते हैं आपकी कैसी दुर्गति है, मुझे उद्धार करना ही पड़ेगा, मुझे पार करना पड़ेगा। अरे अरे की करछो की करछो, क्या कर रहे हो तुम, तो भगवान का नाम लो सब हो जाए। नहीं और आपने होगा तो मैं यहाँ से निहटूंगा नहीं। ठाकुर बच्चे जैसा बाद में कहते, बाप रे वो अकेले मेरे को ले गया नौका में, गंगा के बीच में ले गया। और ठाकुर बोल रहे अच्छा अच्छा, ठाकुर ने कहा समाधि में, अच्छा अच्छा तुम्हारा उद्धार। तो इतने इंटेंसिटी से ठाकुर को पकड़ना, ये सम्यक व्यवस्थित है, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। ये लोग पकड़े थे और उद्धार हो गया था। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है। ये याद रखो कि मेरा भक्त जो है वह कभी नष्ट नहीं होता। किंच माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्योपापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और क्या यही नहीं, माम ही व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित यने माम आश्रय ग्रहित्वा, व्यपाश्रित्य मेरा आश्रय ग्रहण करने के बाद क्या होता है,
पाप योनि व्यक्ति भी जो हैं, वो भी जिनका पाप जन्म है वे भी क्या होते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। और इन्होंने पाप योनि में स्त्री वैश्य और शूद्र इन तीनों को डाल दिया। ये चीज पता नहीं मुझे समझ में नहीं आती, हम लोग तो ठाकुर के शरण में आए हैं, ठाकुर की परंपरा में हैं, जिनमें हम ठाकुर ने माँ को भगवती मान के माँ की उन्होंने शोरशिचार पूजा की है, ठाकुर ने भैरवी ब्राह्मणी को अपना गुरु माना है, ठाकुर ने एक काली माँ मातृ मूर्ति की उपासना की है, और भी कई दृष्टांत मिल जाएंगे ठाकुर के। एक कोई महिला आई थी वो भी गुरु जैसी थी, ठाकुर ने उनकी पूजा की थी। हमारी परंपरा में तो नारी का तो बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है ना, और ये पुरानी परंपरा में यहाँ पर क्या स्त्री को भी जो है पाप योनि, पाप यानी जन्म से पापी। तुलसीदास जी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पाप स्वभावा नारी ऐसा कुछ है। वो एक वो दोहावली का मैंने ट्रांसलेशन अभी किया है, उसमें यह है स्वाभाविक रूप से अपवित्र नारी ऐसा लिखा हुआ है, यानी नारी जो है वो बाय नेचर अपने आप में अपवित्र है। ये पता नहीं ये कहां से भाव आ गया, उसका ट्रांसलेशन करके हमने लिखा है उसमें कि अगर कोई नारी बाय बर्थ और बाय रेस लीनियज वो अगर इम्प्योर होवे, यानी कोई भील के उसमें जन्म हुआ हो या क्षुद्र हुआ हो, इस तरह हमने ट्रांसलेशन करके, बड़ा मुश्किल उसको ट्रांसलेशन। अब ये पता नहीं कहां से आई बात, नहीं हमारे यहाँ पे तो उसको कुछ मानते ही नहीं है। जैन धर्म में तो आपको सन्यासिनियों का तो उतना ही महत्व महत्व, और हमारे यहाँ की परंपरा में जैन परंपरा में तो ऐसी पावरफुल सन्यासिनियाँ हो गई हैं जिनसे लोग हिंदू या जो बाकी जो पंडित लोग थे तो कांपते थे। ऐसे परंपरा में वैसे स्ट्रॉन्ग तो कहा है उसने, यही कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर नर शरीर, शरीर जो पुरुष शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो बड़ा सौभाग्य की बात है। इस तरह की बात तो कहते हैं, अब जो भी हो ऐसे लोग क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की बात आगे आगे ना, पुनः राजर्षय ब्राह्मण और राजर्षि। तो हमारी परंपरा में देखिए आप रामायण महाभारत सब जगह जो देखेंगे तो सब राजर्षि थे, ब्राह्मण थे, जो महान थे ऋषि थे। तो वैश्य ऋषि तो नहीं जानते थे, राजर्षि थे वैश्य ऋषि, ने शुद्ध नहीं। वैसे भगवान के भक्तों में शबरी जैसे है, शबरी को कहेंगे कि वो शूद्र भी थी और नारी भी थी, लेकिन वो महान हो गई। जो भी हो ये अगर स्त्री आने अपवित्र या पाप योनि, उसमें वैसे तथा है, यानी स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि, यानी पाप योनि में स्त्री को समावेश किया। अच्छा, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र पाप योनि यह। अब इसका शंकराचार्य, स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आकर मेरा आलंबन पाकर उत्तम गति प्राप्त करते हैं। और ये कहते हैं जो कोई पाप योनि है, जन्म के कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन हैं, वो कहते हैं स्त्री वैश्य शूद्र। ये शंकराचार्य की व्याख्या। पाप योनि अगर फिर तो पाप योनि आपको बताना पड़ेगा। इसमें हाँ, शूद्र शूद्र पाप योनि का क्या चंडाल। एनीवे क्या कहेंगे, अनकल्चर्ड पीपल अगर आप कहें कुछ इस प्रकार की बात कहें इसके ऊपर, अब वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लाटू महाराज की तो पता ही नहीं थी कौन सी योनि, कौन से वो थे, कोई शूद्र ही तो थे बेसिकली, सर्वेंट बॉय थे, कहीं गांव में थे सर्वेंट बॉय थे और तो संत बन थे। हम लोग अपनी परंपरा में तो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करते।
और फिर कहते हैं किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा, उसके बाद में पुनः यानी जो फिर पुण्य योनियां हैं, कौन सी पुण्याः ब्राह्मण राजर्षि भक्त इत्यादि जो हैं, उनका तो कहना ही क्या। और राजर्षि यानी जो राजा भी हो ऋषि भी हो, राम है, युधिष्ठिर है, जनक राजा है, ये सब राजर्षि कह सकते। और फिर जो ऋषि हमारे पुराने हो गए हैं, व्यास वाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि, उन लोगों की बात तो फिर कहना है क्या, वो तो ब्राह्मण है, वो कल्चर्ड होते हैं ना। और हमारे यहाँ पे जो है वो हिंदू धर्म में तो संस्कार बताए जाते हैं, कल्चर है ना, पुंसवन संस्कार है ना, पुंसवन के पहले गर्भाधान संस्कार, जो गर्भधान होता है वो भी एक संस्कार है, वो एक धार्मिक प्रक्रिया है, उसके बाद में जन्म हुआ, उसके बाद में उसका नामकरण हुआ, ये सारे इतने सारे संस्कार एक के बाद एक होते जाते हैं। तो ये सारा वर्णन वो है, ये लोग जो संस्कारित होते हैं उनको हम द्विज कहते हैं। तो सच पूछा जाए तो वहां पे हमारे परंपरा में, हिंदू परंपरा में, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज होते हैं, यानी तीनों का योग्योपवीत होता है, संस्कार होता है, अलग अलग उनके मंत्र होते होंगे, पता नहीं गायत्री होता है या क्या होता है, शूद्र का नहीं होता। और नारियों का पहले होता था, तो जहां तक मुझे कहीं ना कहीं पे है नारी का, और फिर गायकी मैत्री कात्यायनी ये तो महान विदुषियां थी, और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को चैलेंज करती थी, तो फिर इसको आप पापियों ने कैसे कह सकते। और व्याध धर्म व्याध, उसने तो योगी को शिक्षा दी, वो एक नारी थी जो अपने पति की सेवा कर रही थी, वो महान हो गई, पति की सेवा कर करके महान हो गई है, वो उसने भी अपने योगी को शिक्षा दी, वो सब कहानियां हैं महाभारत में। ये दीज आर एक्सेप्शंस। अब ये बात दूसरी होती है कि देर आर सम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नारी के साथ में कुछ फिजियोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, ये होता है। दूसरा ये है कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है, अटैचमेंट एस्पेक्ट है, ये भी समस्या होती है नारी के साथ में, ये बात होती है। लेकिन ऐसी महान नारियां भी तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद में अंत में 33 के कंक्लूजन में कहते हैं अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य भजस्व माम। अब बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, ये है भजस्व माम, मेरा भजन करो। क्यों? यह लोक जो है, ये संसार जगत जिसमें हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य लोक, ये क्या है? अनित्य है और असुख है। इसका अनुभव जो व्यक्ति जितनी गहराई से करेगा, उतनी गहराई से भगवान का भजन करेगा। बुद्ध ने दृश्य देखे और उनको पता चल गया कि यह जगत जो है वो असुख है, दुखदायक। तीन दृश्य देखे। हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बीमारी को हम कर रहे हैं, बस मरे नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमको नहीं लगी जगत जो है वो असुख है, सुखदायक। Somehow this is a very important point, भजस्व माम। और उसके बाद में एक फोर्स, यहाँ पर भगवान उस पॉजिटिव पार्ट को नहीं कहते हैं, अनित्य असुख की बात कर रहे हैं वो भगवान। लेकिन भगवान का भजन जो है वो सुखदायक है, आनंददायक है, शाश्वत सुख देने वाला है, इसको भी याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये विचार का अभाव, श्री ठाकुर कहते हैं ना नित्य अनित्य वस्तु विवेक, वो भी नहीं करते, विचार का अभाव दुर्भाग्य है। पता नहीं हम लोग क्यों नहीं व्याकुल हो जाते,
सुबह शाम तो दुख 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 छोटे छोटे चिक 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 किट कर ही लगे रहते हैं। तो मैंने एक पिछली बार कहा था ना, मैं कहता हूँ कि जीवन में इंटेंसिटी लाना है, तीव्रता लाने के लिए पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, क्या है, तीव्र संवेगानाम आसन्न। और उस तीव्र संवेग के दो दृष्टांत दिए हैं उसमें व्यासदेव प्रकृति से कमेंट्री करते हुए कहते हैं, जैसा जंगल में आप जंगल में है, शाम हो रही है, अरे जल्दी जल्दी जंगल से निकल जाओ, तो जंगल में जानवर निकलेंगे रात को, शेर भालू सब कीड़े सब निकलेंगे, जल्दी जल्दी चलो। और दूसरा है एक घोड़े को चाबुक मारना, तो इस पर मैंने कमेंट किया था, याद है कि नहीं आया। हमको लगता है कि मृत्यु पास आ रही है, जंगल में पड़े हुए हैं, संसार रूपी जंगल में है, संसार अरण्य बोलते हैं ना, संसार अरण्य जंगल में है, रात हो रही है, मृत्यु आ रही है, मृत्यु रूपी व्याघ आके हमको खा जाएगा, डर लगता है नहीं लगता? कितने निकट हो गए, इतनी उम्र निकल गई है, 50, 60, 70 साल आप लोग कितने सब लोग जो है मिडिल एज तो पास हो गए, बाल सफेद सबके हो गए, सिर्फ इसे उदय के नहीं हो रहे है, बस ठीक है। और दूसरा चाबुक, घोड़े को चाबुक मारने तो कैसे तेजी से चलता है, चाबुक नहीं पढ़ते क्या सुबह शाम आप लोगों को? पढ़ते हैं तो, घर में चाबुक पढ़ते हैं, बाहर चाबुक पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अप्रियता होती रहती है, लेकिन हमके जीवन में तीव्रता नहीं आती। ये अनित्यम असुखम इमम लोकम भजस्व माम, इसको याद रखिए। और अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तमोनाश्रितम, भजस्व माम, भगवान को भजना है, उनके रूप से प्रारंभ करिए, उसके बाद में गुणों पर जाइए और स्वरूप पे जाइए। बट इन चीजों के ऊपर हम व्याख्या कर दे वो नहीं, अनित्य असुख है ये संसार, इस पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। हमको सब सुखदायक लग रहा है, अपना स्पाउस, बच्चे, मकान, धन, कितना अच्छा है, सब तो ठीक है, सुरक्षा है, एक समय में फस्त साफ हो जाएगा विवेक के अभाव में। मैंने बताया था आप लोगों को, रजनीश का से मिले थे, हमने कहा था कि अगर जीवन में किसी के दुख आवे तो भगवान की ओर जाए, उनका कि दुख से नहीं जाते लोग, तो फिर विवेक से जाते। और ठाकुर बोलते हैं हर साल बच्चा मर रहा है और हर साल बच्चा पैदा हो रहा है, लड़की की शादी में सारा धन खत्म हो गया लेकिन हर साल लड़की का जन्म हो रहा है। अब वो एक्सट्रीम की बात कही, लेकिन हम भी तो थोड़े थोड़े किसी ने पकड़ा के हैं, हमारा वही चीज चल रही है, रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, गेट आउट ऑफ दिस, इससे निकल। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये वो है, पॉजिटिव की बात भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत करोषि यदश्नासि, ये भी है, और उसके साथ में नेगेटिव बात भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कही। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।